अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सात सुल्तान व्लॉग्स और मेरा नाम है सात सुल्तान। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और ब्लॉग के साथ। मैं तैयार हो गया हूँ। आज हम लोग नाना नानो लोगों से मिलने जा रहे हैं गांव इसलिए वो क्योंकि मेरे कल मामू चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग परसों तक आ जाएंगे। अभी मैं पूरा तैयार हो गया हूँ, ब्लैक सूट पहने। बाकी आपको ब्लॉग कंटिन्यू करके दिखाता हूँ क्या होता है। रोलिंग शॉर्ट्स देखे रहिएगा मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा ताकि आपका भाई आपके और अच्छे अच्छे व्लॉग डालते रहे। अब देखें रोलिंग शॉर्ट्स सफ़र करने वाले। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगा ठंड होगी तो मैं अपर पहन के आ गया, लेकिन ठंड है नहीं। चलो गांव में शाम तक ठंड हो जाएगी। बाकी अभी नमाज का भी हम लोग स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग मोटरवे तक नमाज का स्टॉप करेंगे, उसके बाद आगे आप इंजॉय करें रोलिंग शॉर्ट्स। मैं बोला दादू का गांव है और मेरी दादू इसको कश्मीर भी कहती हैं। यहाँ से इसका इतना अच्छा व्यू नहीं आता, लेकिन आगे से मैं आपको दिखा दूँ इसका व्यू ज़्यादा प्यारा आता है। ये मेरी दादू का कश्मीर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरसब्ज जगह भी है तो इसलिए भी ये कश्मीर लगता है। बाकी इसका व्यू भी बड़ा प्यारा है, वो शायद आप घर देख सकें तो वहाँ पर मेरी दादू का घर है। यहाँ से कश्मीर शुरू होता है और ये बनी है इसके, ये दरख्त के नीचे पहले पानी होता था, मेरे बाबा लोग यहाँ पे खेलते भी थे, लेकिन अब पानी सूख गया इधर। बाकी इधर यहाँ पे पीछे वो जगह भी, ये रहा मेरी दादू का कश्मीर। और बाकी यहाँ से रोड अभी सीधे चल रहे हैं और व्यू यहाँ से बड़ा प्यारा आता है, यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आता है। बाकी वो ऊपर भी देखें, पहाड़ों के ऊपर भी घर बने होते हैं। पहले यहाँ पे नीचे परवासी के अंदर अभी होती थी तो यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा लोग इधर रहते थे, लेकिन अब लोग ज़्यादा पहाड़ी के ऊपर भी रह गए। और ये यहाँ से वो दूसरा दादू का मेरे जो गांव था, अब ये यहाँ से परवासा शुरू हो जाता है मेरे नाना बुजुर्गों के ऊपर। यहाँ पे भी देख सकते हैं कितनी सरसब्ज है, परवासा हमारा शुरू हो जाता है। ये यहाँ से गली है, ये यहाँ पे टैंकी है जहाँ से सबको पानी सप्लाई होता है। ये यहाँ पे और व्यू, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे शादी हुई थी। सारे लोग देख रहे हैं आस पास से, अजीब से लग रहे हैं लेकिन गांव है। बाकी ये यहाँ पे कब्रें आ गई हैं। इस वाली पट्टी के अंदर हुआ था, वो
ये मामू का वलीमा हुआ था जिसका मैंने ब्लॉग बनाया था, इस वाली के अंदर हुआ था, इधर ही कहीं यहाँ पे। और सामने हमारा घर आ गया, मैं जाने वाला गया। ये वैस मामू भी आ गए यहाँ पे, इनको अभी हम लोग कैमरे की निगाह से पकड़ते हैं। ये रे मेरे वैस मामू, अभी हम लोग यहाँ पे रोकी है। पहले का स्टार्ट है, आप भी कर गए हो। अस्सलाम वालेकुम, हाय कर दें, वैसे हम हाय कर दें। बाकी हम लोग गांव पहुंच गए, वैसे मामू पहले मिल गए। आगे व्लॉग शुरू हम लोग करते रहते हैं। मान भाई भी नजर आ गए, कर चुके हैं वो पट्टियों पे हम लोग। मैं ज़ैनब और आपकी तस्वीर आई थी, मैं भी शुरू कर चुका हूँ सुबह सुबह। अब्दुल और मैं और ज़ैनब, चले अभी आगे देखते क्या होता है। पे हम बिरयानी आ गई है, खाना उसके साथ सलाद है, पानी है यहाँ पे, ये भी बिरयानी भी है। बिरयानी बड़े मजे की, अभी डाल के देखते हैं बाबा डाल लें, फिर अभी आपको खा के दिखाता हूँ कैसी है। अभी बिरयानी आ गई थी, अभी मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ किस तरह की बिरयानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिरयानी मज़े की है, मसालेदार भी है। बाकी अभी आपको व्लॉग करके दिखाता हूँ क्या होता है, अभी व्लॉग के अंदर क्या होता है, खाने के बाद मिलते हैं। अभी हम लोग अपने एक रिश्तेदार के घर रहे हैं, यहाँ पर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखें बकरियाँ, छोटी छोटी बकरियाँ। आपके रिश्ते, आप क्यों आई हो, ये रिश्तेदार है ना। ये देखो बकरियाँ छोटी छोटी, जिस तरह गाइस आप देख सकते हैं छोटी छोटी बकरियाँ। ये यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे और बकरा, एक और बकरा भी है, ये गाय भी है यहाँ पे, एक और गाय भी है, बकरे। वो देखें अंदर भी बकरे, मुर्गियाँ, अगर आपको सही तरह नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पे बकरे भी हैं, यहाँ पे गायें भी हैं, ये भी गाय बड़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे बकरे भी हैं, ओहो बकरे बकरे अंदर देखें, वो मुर्गियाँ वहाँ पे हैं। ये देसी, इनके ना देसी मुर्गे भी होते हैं और अंदर दो मुर्गे, बड़ी बड़ी बैले हैं। और ये भी बकरे, ये देखें जिस तरह आप देख सकते हैं सब, ये छोटी गाय जिस तरह कराची के अंदर पहले बताया गया था वर्ल्ड स्मॉलेस्ट काओ, उसके अंदर हम लोग ये भी लेके जा सकते हैं, सबसे छोटी, दुनिया की सबसे छोटी गाय। ये देखें यहाँ पे एक और गाय भी है, छोटी सी है, मिनी गाय, ज़ैनब की तरह से बोला जा रहा है मिनी गाय। बकरे यहाँ पे हमें बकरे, ये मेरे मामू का पुराना घर है, यहाँ से इस घर की एंट्रेंस होती है। ये यहाँ से घर की हालत बहुत ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि इनका ये घर बंद रहता है। ये जो ये अंगूरों का दरख्त है, इधर ब्लैक अंगूर लगते हैं, और ये दरख्त कुछ 30 साल से पुराना है। और मेरे वैद मामू यहाँ कुछ कह रहे हैं, ये देखें ये यहाँ पे गाय की कोई जगह है, नज़र नहीं आ रही, हाँ नज़र नहीं आ रही, छुपी दरवाजे के पीछे कहीं छुपी हुई है गाय, अभी नज़र नहीं। यहाँ पे ये देखें जिस तरह आप देख सकते हैं वॉशरूम किस तरह के होते हैं, छोटे से वॉशरूम कितने छोटे हैं। ये पहले ज़माने तक का घर ऐसे ही होते थे, ये देखें ये बाहर ऐसी बैठक है, दरमियान में जो कि बहुत गंदा हुआ है। ये कमरा यहाँ पे पीछे वो लगी हुई है, अब्दुल यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा कमरा है, इसके लिए हमें टॉर्च भी ऑन करनी पड़ेगी। जिस तरह आप देख सकते हैं ऊपर ये लकड़ी का लेंटर लगा है, क्योंकि ये आधा घर मिट्टी के जमीन के अंदर, आधा ये बाहर है। बाकी यहाँ पे थोड़ा पुराने ज़माने की चीज़ है, दीवारें ख़राब हो गई हैं, हालत थोड़ी ख़राब हो गई इसकी। बाकी ये बाहर मामू हेलो हाय कर दे। आप तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। यार मुझे सोया हुआ उठा के, मैं सो रहा था। अच्छा सो रहे थे ये, अभी सो रहे थे। बाकी किस कमरे की हालत कुछ ऐसी है,
बाकी अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे हम घर से निकलते हैं और आगे आपको एक्सप्लोर कराते हैं अपना गांव। ये हमारा गांव पहाड़ी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये नीचे देख सकते हैं आप खाई है। अभी हम लोग कुएं की तरफ जा रहे हैं हमारे गांव के, बाकी आप वहाँ से व्यू चेक करें बस। अभी हमने उस घर में भी जाना है वहाँ पे ऊपर वाले पहाड़ पे, बाकी आप व्यू चेक करें कितना प्यारा है आगे। अभी आपको कुएं में जाके हम दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह रास्ता है बड़ा खतरनाक है, स्लिप होने का बहुत खतरा है। ज़ैनब अब्दुल हादी आराम से अल्लाह का नाम लेके चलना। इस तरह आप देख सकते हैं बड़ा टेम्पटिंग सा रास्ता है, ये देखें तब बस गिर जाए। देख सकते हैं ऊपर से रास्ता है ये नीचे, अभी हमने नीचे जाना है कुएं की तरफ। हमारे गांव का कुएं है वो, मैं सेफ हुआ, मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी अच्छी खासी कम रह गई है। बस मैं कुआं दिखा दूं आपको, ये जिस तरह आप देख सकते हैं बड़ा कोई ना तंग सा रास्ता है। सामने मेरे मामू मेरे लिए खड़े हुए हैं। रास्ता ना थोड़ा तंग सा रास्ता है, अभी स्लिप होने के भी खदशे हैं पानी से हड्डियों, क्योंकि स्लिप होने के लिए बहुत मल्ले पैन के भी लोफर हैं। आगे आपको दिखाते हैं कुआं, ये देखें आपको शायद नज़र आ रहा, वो सामने मेरे मामू जा रहे हैं और सामने वो कुआं कुआं आ गए। आपको दिखाऊँ आप चलती थी पुली के साथ, तो यहाँ से फिर पानी ऊपर आया कि अब तो यहाँ पे मोटर लग गई है, यहाँ पे अब नजर नहीं आ रहा सही तरह, लेकिन वो तो खत्म हो चुका है। ये देखें नीचे पूरा काला स्याह कुआं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर पहले ज़माने के अंदर इन्होंने ये इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे गायें आती थी और कुछ गिर जाती थी। अब तो पहले हो जाए यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं, गायें नहीं आती थी वहाँ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। यहाँ पे पुली लगी होती थी और दो गायें चलती थी यूं करके, और पुली नहीं, गायें भी नहीं गिर सकती थी यहाँ पे वैसे। ऊपर इन्होंने लगाया, ऊपर से कुत्ते, ओए पीछे, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, यहाँ पे पहले जिस समय मामू कह रहे पहले पुली लगी होती, अब तो मोटरें लग गई उनके साथ, तो स्विच लगा हुआ है, ये स्विच इनका लगा हुआ है। बाकी ये कुछ इस तरह के, यहाँ से इस तरह के, ये यहाँ पे कुछ ऐसे आगे दिखा दे क्या ब्लॉग के अंदर, सारे बोल रहे बाकी कुएं का कुछ इस तरह के इंटरफेस, कुएं की कोर एंट्रेंस जहाँ पे मोटरें लगी हुई हैं। आगे चलते हैं, बाकी ये रास्ता थोड़ा फुर्तीले पर पत्थर वाला है, नीचे पाइप्स डले हुए हैं। मैंने आपको जो दरे का बताया तो दरे कुछ इस तरह के, पीछे से पानी आता है पीछे से और यहाँ से होके दरबेला डैम और उधर चले जाते हैं उधर तक दरिया सिंध। ये दरा है मैं आपको जिसके बारे में दिखाते हैं, यहाँ से इतना पानी जाता है बारिश के सीज़न में तो यहाँ पे दूसरा कराची बना होता है, दूसरा सी भी हो जाता है, यहाँ तक होता है इनके, यहाँ तक पानी होता है, यहाँ तक अब्दुल तो पूरा डूबा होता है। बाकी यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मेरी फूफो का घर यहाँ इस आगे वाली लाइन में, ये पूरा दर्रा है यहाँ से, ये दर्रा पीछे से पहाड़ों से पानी आता है और उधर तक जाता है, और ये दर्रा बहुत बड़े पहाड़ों से भी उधर जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना वो दर्रा, उधर तक तो ये दर्रा है, वहाँ तक ये दर्रा, तो यहाँ से भी अच्छा खासा रूट है दर्रा का, यहाँ से पानी आता रहता है, इसे दर्रा कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए उसकी वजह से बारिश की वजह पत्थर होते हैं ज़्यादा। आगे अभी हम लोग आपको पहाड़ियों पे लेके जाते हैं, उधर से व्यू दिखाते हैं, उधर से पूरा व्यू आता है गांव का। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहाड़ियों पे जाएंगे, तो उसका रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसका रास्ता है, यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर। और ज़ैनब का भी एक मसला हो गया, स्टोरेज खत्म हो गई, क्या हुआ ज़ैनब? ये वैन कुछ करते हुए, हेलो, देखते हैं पहाड़ी के कुछ इस तरह के रास्ते हैं, यहाँ से व्यू आता है, लेकिन हमें ऊपर जाना है। अब ऊपर जाके देखते हैं क्या होता है, शायद इधर ही रुक जाए, अब ऊपर चले जाए, लेकिन पहले कुछ अच्छा रास्ता है, अभी पहले तो बहुत गंदा था, मैं अभी पहले तो ये अच्छा खासा गंदा रास्ता, अभी कुछ अच्छा किया इन्होंने,
बाकी ऊपर से धूप आ रही है, आपको ऊपर जाके मिलते हैं, सांस फूल रहे, देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ से भी व्यू आता है, आप देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। हमने पहाड़ियाँ वो परवासा, अभी ऊपर जाएंगे और अच्छा व्यू आएगा, सब्र करें, आपके लिए कॉन्टेंट आ रहा है, ब्लॉग आ रहे हैं आपके लिए। लोग उधर आ गए हैं टॉप पे, और इस घर वो ये घर वहाँ से नजर आता है हमारे घर से, आपको जो हमने आपसे वादा करा था वो हमने पूरा भी करा है। हमें नजर नहीं आएगा आपको हमारा घर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा प्रवास है, ये पूरा प्रवास है, ये देखें, ये रहा मेरा घर, ये रहा हमारा घर, नजर नहीं आ रहा, फोकस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रवासा, ये देखें पूरा प्रवासा है, ये पीछे पहाड़ी है और ये पूरा प्रवासा है, ये पूरा प्रवासा हमारा गांव है, यहाँ से पूरा हमारा प्रवासा, ये पूरा गांव है। बाकी हम लोग पहाड़ियों पे आ गए, ये ऊपर की आबादी है सारी, ये प्रवासा है सारा हमारा, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, सड़क अच्छी बनी हुई है, बाकी देखिए पीछे पहाड़ियाँ ही पहाड़ी हैं, और गाय और गाड़ी के नीचे गायों ने अपना काम दिखाया, खाने वाला। चुप यार, इसकी बातें गंदी होती हैं। आगे हम लोग यहाँ से आपको पूरा प्रवासा हमारा नजर आ रहा है, ये चेक करें पूरा प्रवासा, ये दिखाता हूँ मैं आपको प्यारा व्यू, चेक करें आप सबसे प्यारा, ये देखें प्यारा व्यू, यहाँ से गायें गिरती भी रहती हैं, जैनब की बात सही है, ये देखें नीचे सारा, जैनब की बात सही है, यहाँ पे गायें गिरती रहती हैं, यहाँ पे यहाँ से गाय गिरती रहती है, और ये प्यारा इतना व्यू है ना, यहाँ से नीचे पूरा खाई है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ पे इतना प्यारा व्यू, चेक करें बस आप, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारा चेक करें प्यारा व्यू है कितना, वो सामने देखें। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये भाई हाई कर दो व्लॉग के अंदर, भाई आप कर दो भाई, ऐसे हाथ हिला दो, हाथ हमारा वो शुरू हो गया सफ़र, हमारा अब्दुल लीडर है, अब्दुल हमारा लीडर है, बाकी फुल तफरी हो रही है, हम लोग यहाँ से जाते हुए नीचे, एक दफ़ा फिर अब्दुल टू ना अब सीधे हो जा इस तरफ की, दिखा नहीं सकता यहाँ पे, हम लोग अपना व्लॉग इस खूबसूरत जगह पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, बाकी मैं आप अपने भाई की तरह लगे रहिएगा, और व्लॉग्स मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, वीडियो के नीचे इस वीडियो को शेयर करना और प्यार दिखाते रहना अपने भाई को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स और ऐसी खूबसूरत व्यू आपको दिखाता रहूं। और इस व्लॉग को इधर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, आपका अपना भाई साद सुल्तान, अल्लाह हाफिज़।